तो दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे सलासर बालाजी धाम के। यहाँ पर आपको हम बताएंगे कैसे आना चाहिए, कहाँ पर रुकना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों वहाँ पर। तो एक बार ज़ोर से बोलेंगे सलासर बालाजी महाराज की। तो अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं आप तो तुरंत फटाफट कमेंट में जाके लिखिए सलासर बालाजी महाराज। तो चलिए हम आपको दर्शन। तो ये सामने मंदिर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। यहाँ पर काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी आपको प्रसाद वगैरह की और सामान वगैरह की। तो आप प्रसाद अंदर भी ले सकते हैं, चाहे तो बाहर भी ले सकते हैं। तो अपना जूता चप्पल यहाँ बाहर निकालेंगे और चलेंगे हम बालाजी के दर्शन करने दोस्तों। तो ये बालाजी का भव्य दरबार आपको दिख गया है। एक बार ज़रूर बोलेंगे बालाजी महाराज की जय। तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर कितना भव्य मंदिर है। ये श्याम बालाजी का एकमात्र मंदिर है जिनकी दाढ़ी और मूछें हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये दोस्तों राजस्थान के चूरू जिले में है दोस्तों। तो यहाँ पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप खाटू श्याम बाबा आ रहे हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं दोस्तों। करेंगे अब सामने आपको दोस्तों जूता घर मिल जाएगा और व्हील चेयर का रूम भी मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर आप जूता अपना निकाल सकते हैं और उससे आगे बढ़ेंगे मणि प्रसाद, यहाँ से भी प्रसाद आप ले सकते हैं अगर कुछ आप लेना चाहते हैं। चूरमा 100 रुपया की, 300 आप देख सकते हैं आप रेट फलिस्ट। तो अभी कुछ यहाँ भी काम चल रहा है देख सकते हैं। यहाँ पर पहले दोस्तों धूनी जलती थी बाबा की, लेकिन अब वो बंद है अभी क्योंकि काम चल रहा है। तो यहाँ पर अपनी मान्यता के अनुसार दोस्तों यहाँ पर सभी लोग अपना यहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं, बांधते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, पहले प्रसाद लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ हमारे बहन प्रसाद ले रहे हैं। इस तरह की पर्ची मिलेगी जो आप काउंटर दूसरे काउंटर से आप यहां से प्रसाद ले सकते हैं। जैसे ये मेरा प्रसाद मिल गया दोस्तों, तो यहां से हम ये पर्ची दिखाकर एक प्रसाद देंगे। तो यहां पर देख सकते हैं ये प्रसाद चूरमा है दोस्तों, मिल गया है। तो दोस्तों हमने प्रसाद ले लिया है, अब चलेंगे हम बालाजी के दर्शन करने। हमारे साथ हैं रुद्रवली की माननीय श्री विपिन पांडे जी, जिनके साथ हम बालाजी का दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमें खाटू श्याम में मिले थे तो कैसा लगा आपको दर्शन? बहुत अच्छा लगा, आनंद आ रहा है। थोड़ा तेज बोलोगे तो उसमें होगा। बहुत आनंद आ रहा है दर्शन करके इस बालाजी का। हाँ, खाटू श्याम में कैसे लगा? खाटू श्याम में बहुत ही आनंद आया, सब मित्रों के साथ दर्शन हुआ बहुत अच्छे से, करीब से एकदम। अच्छा, पहले तो बहुत भीड़ लगती थी, पहले कभी आए हो तो? आप तो काफी अच्छा लग रहा है ना? जी बहुत ही तो काफी अच्छा लगा दोस्तों। हम दर्शन करने के बाद फिर आपको मिलते हैं। तो एक भैया, ये भी क्या नाम है आपका? सुनील कुमार नाम है। कहाँ है घर आपका? घर मेरा राजापुर सुल्तानपुर पड़ता है। राजापुर सुल्तानपुर है। तो ये भैया भी खाटू श्याम में ही मिले थे, साथ में आए हैं यहाँ पर दर्शन करने। काफी अच्छा लगा आपको। तो दर्शन करने के बाद दोस्तों मिलते हैं आपको यहाँ पर। नहीं, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, उसके बाद हम बाबा जी के करीब पहुँचेंगे। चलते हैं हम दर्शन। तो यहाँ से दोस्तों दर्शन करने के बाद इस यहाँ से निकलते हैं। यहाँ निकलने के बाद इस यहाँ पर आप प्रसाद अपना चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के बाद दोस्तों एग्जिट हम यहाँ से करेंगे। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। धर्मशाला ढूंढते ढूंढते हमें एक मिला, सिरसा धर्मशाला। यहाँ पे आप रुक सकते हैं, 300 रुपया चार्ज है दोस्तों एक कमरे का। तो यहाँ पर रह सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा धर्मशाला है दोस्तों। तो ठहरने के लिए मंदिर के जस्ट बगल ही है दोस्तों, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो यहाँ तो आप दोस्तों यहाँ पर श्री श्री 108 मोहन दास जी महाराज के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर यह समाधि स्थल है।
अभी हमारे सभी साथी लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। कुमार चढ़ा हुआ है। कैसा लगा आप सबको वहाँ पर घूम के? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। चलो इनको सबको अच्छा लगा, तो आप कहाँ चलेंगे? हम लोग चलेंगे हवा महल जयपुर। तो जयपुर चलेंगे महाराज। दोस्तों सलासर बालाजी की यात्रा काफ़ी अच्छी और काफ़ी सुलभ है दोस्तों, यहाँ पर पहुँचना काफ़ी आसान है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जयपुर का टिकट कटाइए। जयपुर हर राज्यों से कनेक्टेड है दोस्तों, जयपुर से यहाँ पर काफ़ी आसानी से पहुँचा जा सकता है। जयपुर से सलासर बालाजी की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है दोस्तों, बस और टैक्सी के द्वारा यहाँ पर काफ़ी आसानी से पहुँचा जा सकता है। अगर आप खाटू श्याम से आ रहे हैं तो खाटू श्याम से भी यहाँ पर आ सकते हैं, जिसका किराया 110 रुपया है दोस्तों। आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक यहाँ पर हर समय आपको यहाँ पर गाड़ियां मिलती रहेंगी, बस टैक्सी हर वक्त यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो मेक श्योर आप जल्दी यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए बालाजी महाराज का। काफी भव्य मंदिर है दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे कि हमने अभी वीडियो में बनाया और दिखाया दोस्तों, आपको काफी अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाकर बालाजी महाराज जरूर लिख देना दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री बालाजी महाराज।